नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में वायरस, जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं, क्या है अथवा किसे कहते हैं। डीएनए अथवा आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अथवा राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने अति सूक्ष्म बहुत छोटे परजीवी को वायरस कहते हैं। परजीवी मतलब जिसका जीवन दूसरे पर निर्भर रहता है, जिनके ऊपर प्रोटीन का आवरण होता है, जिनके ऊपर क्या होता है, एक प्रोटीन का आवरण खोल होता है। वायरस किसी भी जीवधारियों के अंदर प्रवेश कर घातक बीमारियों के कारक बनते हैं। वायरस इतने सूक्ष्म होते हैं, किसी भी जीवधारी के शरीर के अंदर प्रवेश कर घातक रोग के कारण अथवा कारक बनते हैं। वायरस किसी भी जीवधारियों के अंदर प्रवेश कर घातक बीमारियों के कारक बनते हैं, यानी वायरस के द्वारा तमाम घातक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वायरस में निर्जीव तथा सजीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वायरस में निर्जीव तथा सजीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वायरस ऐसा परजीवी है जिसमें निर्जीव के भी लक्षण होते हैं तथा सजीव दोनों के लक्षण होते हैं। वायरस की खोज 1892 में इवानोवस्की ने किया था। ये तंबाकू की पत्तियों पर उन्होंने इसकी खोज की थी। अब देखिए, वायरस से होने वाले रोग जुकाम आप जानते ही हैं, कोरोना खतरनाक बीमारी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, पीलिया, रेबीज, एड्स इत्यादि, ये खतरनाक बीमारियां हैं। जुकाम वैसे खतरनाक, कोरोना आप जानते हैं, इन्फ्लुएंजा आप जानते हैं, पोलियो, चेचक, पीलिया, रेबीज, कुत्ते काटने से जो होता है एड्स, ये खतरनाक बीमारियां वायरस के कारण ही होते हैं। जो शरीर में किसी प्रकार यदि प्रवेश कर गए तो आपको इन बीमारियों से परिपूर्ण कर देंगे। नमस्कार।